आज हम बनाएंगे पेशावरी चिकन। बहुत टेस्टी बनती है और बनाने में भी इजी है, तो चलिए बनाते हैं। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है। 700 ग्राम चिकन है ये, इसमें डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक भूनेंगे और इसे निकाल के साइड में रख लेंगे। फिर उसी ऑयल में हम डालेंगे 4 बड़े स्लाइस में कटे हुए प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे और जब ये हल्का ब्राउन हो जाए प्याज, तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए तब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ढेर सारी हरा धनिया डालना है, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 3 टमाटर डालेंगे चॉप किए हुए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे 5 मिनट तक भूनेंगे। 5 मिनट के बाद इसमें थोड़ा आपको पानी ऐड करना है और ढक के इसे 10 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद हम ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। तैयार है हमारा पेशावरी चिकन।